Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some problem on limit. So let's talk about this video. So first we start with the definition of limit, which is the working rule of limit, and which is working rule for limit. तो लिमिट को एग्जिस्ट करने का वर्किंग रूल क्या है? तो अगर इफ लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट देयर LHL and RHL. Limit are same. To right hand limit, RHL means right hand limit, और LHL का LHL मतलब left hand limit और RHL limit, इन दोनों को same होना चाहिए. मतलब ये है कि RHL that is f of a plus 0 equal to limit h tending to 0 f of a plus s. तो RHL की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, और RHL की वैल्यू, या ऐसा कह सकते हैं कि RHL को हम इस तरह से यहाँ डिफाइन करते हैं, और LHL को इस तरीके से a माइनस 0 लिमिट h tending to 0 f of a माइनस h. क्लियर? सो ये रूल है वर्किंग रूल लिमिट का. ये लिमिट की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये वर्किंग रूल है लिमिट के लिए. तो इस तरीके से हम RHL और उसका LHL दोनों लिमिट निकालेंगे. अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर वो दोनों बराबर होगा, RHL और LHL दोनों लिमिट अगर बराबर आती है, तो हम कहेंगे कि ये लिमिट इस x टेंडिंग टू a पर एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं कर रही. x इक्वल टू a पे एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान सेम आए, यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस. सो अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे. तो चलिए देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, limit x tending to 2 x square plus 3x plus 2 upon x minus 2. तो ये है क्वेश्चन. इसकी लिमिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और साथ साथ ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये हमें बताना है. तो वी हैव टू कैलकुलेट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लिमिट एंड ऑल्सो द वैल्यू. तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, इवेलुएट दिस या एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लिमिट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे सॉल्यूशन में. ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2. ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंक्शन. वन मिनट. तो ये है फंक्शन की वैल्यू. अब इसके आधार पे अगर हम निकालेंगे RHL, तो हमारा बन जाएगा लिमिट, या इसको हम पहले इस तरह से लिखते हैं, f ऑफ 0 दिस इज 2. सो यहाँ पे 2 होगा a के प्लेस पे. याद रखिए, पहले हम फॉर्मूले को ही लिख लेते हैं किस फॉर्म में था. अगर हमारा लिमिट इस फॉर्म में हो, इसको निकालने से पहले हम फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दे रहे हैं. अगर लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x को एग्जिस्ट करना है, तो हमें क्या निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट. और राइट हैंड लिमिट का मतलब f ऑफ a प्लस 0, एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 a प्लस h. उसी तरीके से ये RHL है, और LHL को हम लिख सकते हैं f a माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h.
इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो हमारा राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, f ऑफ a प्लस ज़ीरो, यहाँ पे a के प्लस पे क्या है, जैसे यहाँ a है तो a प्लस ज़ीरो, यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस ज़ीरो, एंड लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ फंक्शन होगा। सो फंक्शन ऑफ a प्लस h, a प्लस h तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस h, f ऑफ 2 प्लस h। अब क्या करेंगे हम, इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, f ऑफ x अगर ये है तो f ऑफ 2 प्लस h क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस एच प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, x मीन्स 2 प्लस एच, 2 प्लस एच माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका होल स्क्वायर 4 प्लस 4 एच प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 एच प्लस 2, और नीचे से क्या होगा, h बचेगा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो चूंकि h अपॉन में है तो अगर हम 0 वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, चाहे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन फाइनली हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें मिलेगा h स्क्वायर, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंडिंग 0, तो ये क्या है h स्क्वायर प्लस, लेकिन फर्स्ट टर्म में आ रहा है 6 4 10 12 हो जाएगा ये 12 प्लस 4h और 3h 7h एंड प्लस h स्क्वायर अपॉन में क्या है h है। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिल रही है इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ 12/h आ रहा है, 12/h प्लस 7/this1 एंड h स्क्वायर अपॉन h, तो फाइनली हमें 12/h से ही इनफाइनाइट मिल जा रहा है, तो फर्दर करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी इसका जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट। क्या करना था, बस हमें डेफिनेशन के थ्रू जाना है, a प्लस ज़ीरो सो 2 प्लस h, इस तरीके से सेम इसी पे हम निकाल लेंगे RHL। इसी तरीके से हम LHL को देख लेते हैं, LHL लिमिट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, इसको हम यहीं से देख सकते हैं। तो RHL को याद रखेंगे कि हमारा इनफाइनाइट आया है, LHL में क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 माइनस 0, यहाँ 2 माइनस h, यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस h, फिर ये भी हो जाएगा 2 माइनस h, यहाँ भी 2 माइनस h, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ भी आ जाएगा माइनस। सो फाइनली जो हमें मिलेगा यहाँ पे आएगा माइनस प्लस 12 माइनस एच अपॉन में, यहाँ माइनस एच होगा माइनस एच, यहाँ पे कुछ माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या होगा, जब हम एच को 0 पुट करेंगे तो इस बार माइनस इनफाइनाइट आएगा, क्लियर, माइनस इनफाइनाइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि RHL और LHL के वैल्यू सेम नहीं है, सो RHL इज़ नॉट इक्वल टू LHL, इसका मतलब ये है कि इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिख के छोड़ देंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि दोनों का वैल्यू ही अलग अलग आ रहा है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह का हम और क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पे हम फंक्शन को चेंज कर दे रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 2x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 2x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। अब इस क्वेश्चन में हमारा फंक्शन f ऑफ x क्या है, फंक्शन हमारा यही है 2x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x माइनस 2।
ठीक है, तो इसके लिए भी हम उसी तरीके से LHL और RHL निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहीं से हमारा मामला चेंज होगा जो कुछ भी है, क्योंकि यहाँ बाकी चीज़ें सारी सेम ही हैं। हमने यहाँ पे 2 ही रखा है, x टेंडिंग टू 2, और 2x² 8/x-2। तो इसके लिए जब हम निकालेंगे तो पहले LHL ही निकाल लेते हैं। LHL में क्या आएगा, 2-0 और 2-h इस फॉर्मूले के थ्रू जो होगा f of a माइनस ज़ीरो, दिस इज 2-0, क्योंकि यहाँ पे 2 है। इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे a होता है, इसलिए यहाँ 2-0 है। यहाँ पे क्या होगा, a-0, तो ये हो गया 2-0 f of 2-h। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 2 2-h का होल स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है ना, तो x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 2-h। एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 2-h, सो 2 2-h का होल स्क्वायर -8/2-h-2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा 4+h² -4h-8/-h। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू कट रही है, 2 4 8, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 8+2h²-8h-8/-h। तो 8 से 8 कैंसिल हो रहा है और हमें 1 वैल्यू मिल रही है इसकी, 8 मिलेगा। यहाँ से अगर जो वैल्यू बच रही है इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, और क्या बच रहा है, -8h+2h²/-h। तो अगर हम h को यहाँ से कॉमन ले और फिर कैंसिल होगा तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 8। क्लियर, माइनस h को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 8 फ्री हो जाएगा h से, फिर हम जब 0 पुट करेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा सिर्फ 8। तो LHL की लिमिट हमें मिल रही है 8। उसी तरीके से इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL में यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस, ये सारा प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ भी प्लस, और यहाँ प्लस ही था, यहाँ भी प्लस होगा। तो फाइनली यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी 8 ही आ रही है, अदर कहीं माइनस हो सकता है इसकी वजह से, नहीं ठीक है। तो यहाँ RHL की वैल्यू भी 8 ही आ रही है, तो चूंकि ये दोनों बराबर है इसलिए क्या होगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और कितने बराबर होगी, 8 के बराबर होगी। सो दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज़ इक्वल टू 2। क्या लिखेंगे, दिस इज एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एट। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो इस तरीके से अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल पाएंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू ज़ीरो e^(1/x-1) e^(1/x+1)। ये फॉर्मूला है इसलिए हम इसको बार बार नहीं हटा रहे हैं, इसको एज इट इज़ रख रहे हैं, बाकी चीज़ें चेंज हो रही हैं तो इनको हम फ़िलहाल हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो ये है, दिस इज़ इक्वल टू f of x। अब इसके लिए हमें वही राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या लिखते हैं, लिमिट यहाँ से, क्योंकि अब x टेंडिंग टू 0 है यहाँ पे, तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से शुरू करते हैं, f of 0+0 इक्वल लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ
जीरो प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच। अब एफ ऑफ एक्स हमें पता है तो एफ ऑफ एच बड़े आराम से मिल जाएगा यहीं से, तो क्या होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई पावर वन अपॉन एच माइनस वन ई टू द पावर वन अपॉन एच प्लस वन। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम कॉमन ले सकते हैं और उसको अपॉन में ले जाएंगे। तो सबसे पहले ई पावर वन बाई एच कॉमन लेते हैं लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ऐसे लिमिट रखेंगे तो कुछ इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पे ई पावर वन बाई ज़ीरो रखेंगे तो इन पावर इनफाइनाइट, और अपॉन में भी ई पावर इनफाइनाइट, तो ई पावर इनफाइनाइट अपॉन ई पावर इनफाइनाइट होगा। तो एक तरीके से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की तरफ जा रहा है, तो फिलहाल हम उधर नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे ई पावर वन बाई एच को कॉमन ले लेंगे, सो ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई एच ई पावर एच, और ये हो जाएगा ई टू द पावर वन बाई एच कॉमन करेंगे सो वन प्लस वन अपॉन ई टू द पावर वन बाई एच, ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है। अब अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वन बाई इन्फाइनाइट ज़ीरो वन बाई इन्फाइनाइट ज़ीरो, तो इसके वैल्यू क्या मिल रही है सिंपली वन। ध्यान से देख लीजिए ज़ीरो प्लस एच एंड देन एफ ऑफ एच, फिर हम एफ ऑफ एक्स के थ्रू एफ ऑफ एच निकाल लेंगे, फिर ये कॉमन करेंगे हमें वन मिलेगा। उसी तरीके से इसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस एंड दिस विल बी माइनस, यहाँ भी होगा माइनस, तो हम जो कॉमन करेंगे वो माइनस में कॉमन करेंगे, यहाँ होगा माइनस और यहाँ भी माइनस। तो e टू द पावर माइनस एच, यहाँ हो जाएगा माइनस, e पावर माइनस एच, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी प्लस वन और माइनस वन, यहाँ से हम थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आएगी ई टू द पावर माइनस वन बाई एच माइनस वन और ई टू द पावर माइनस वन बाई एच प्लस वन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो वन अपॉन ई टू द पावर वन बाई एच माइनस वन और अपॉन वन अपॉन ई टू द पावर वन बाई एच प्लस वन, राइट। ये पावर माइनस में, ये भी पावर माइनस में है, एक तरीके से ये यहाँ हो जाएगा माइनस वन बाई एच, ये भी माइनस वन बाई एच, तो वन अपॉन होगा। अब जब लिमिट रखेंगे तो माइनस वन अपॉन वन इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन। तो आरएचएल का लिमिट हमारा जो आया था, आरएचएल की वैल्यू वन थी और एलएचएल का वैल्यू आ रहा है माइनस वन, तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका आंसर होगा। और रीज़न यही है कि f ऑफ 0 माइनस 0 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 0, यानी जो LHL की लिमिट है राइट हैंड लिमिट है वो RHL के बराबर नहीं है। तो कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं अब। लिमिट से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं लगभग हर एग्ज़ाम में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट बताना है इस फंक्शन का, एफ एक्स इक्वल टू वन इफ एक्स इज़ लेस देन वन and fx equal to 2 minus x if x is between the 1 and 2. The next one is fx equal to 2 if x is greater or equal to 2. So this is the function,
एंड वी हैव टू शो दैट या वी हैव टू डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, हमें डिस्कस करना है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू. सो वी हैव टू डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी ये हमें डिस्कस करना है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट के लिए. तो क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू वन के लिए चेक करेंगे, उसके बाद x इक्वल टू टू के लिए चेक करेंगे कि लिमिट x की एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहला पार्ट फॉर x इक्वल टू वन. तो RHL क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट f ऑफ वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f ऑफ वन प्लस h. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम x इक्वल टू वन के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे, अगर वो सेम आती है तो एग्जिस्ट करेगा और वैल्यू हमें मिल जाएगी. उसी तरीके से सेम x इक्वल टू टू के लिए करेंगे. तो हम स्टार्ट कर चुके हैं RHL, तो क्या आएगा, लिमिट f ऑफ n प्लस h वन प्लस h. और देखिए फंक्शन ऑफ वन प्लस h यानी x की वैल्यू वन से ज़्यादा है, ये क्या है f ऑफ वन प्लस h, और h कुछ भी होगा तो बढ़ाएगा ही. तो अगर हम इसको फंक्शन जैसा समझे f ऑफ x से, हमें f ऑफ x की तीन वैल्यू हमें पता है, x जब लेस देन वन है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है वन, x जब वन और टू के बीच में है तो f ऑफ x की वैल्यू है टू माइनस x, और x जब दो के बराबर या बड़ा है तो f x की वैल्यू कितनी है टू. तो यहाँ पे जो फंक्शन है फंक्शन वन प्लस एच, ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, तो ये जो x की वैल्यू है ये x की वैल्यू वन से बड़ी है और टू से छोटी है, क्योंकि h बहुत बड़ा नहीं होता. तो पहला वाला केस तो लगेगा नहीं क्योंकि ये x लेस देन वन पे है, फिर fx की वैल्यू बता रहा है. ये वाला x की वैल्यू वन और टू के बीच में है, यानी ये फंक्शन हमारे काम का है यहाँ पे. तो इसको अप्लाई कर लेते हैं लिमिट h टेन टू ज़ीरो. तो इस फंक्शन में x के जगह क्या पुट करेंगे, वन प्लस h. यही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज होगा. तो f ऑफ वन प्लस h 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे 1 प्लस एच. सो 2 माइनस एक्स एंड एक्स इज 1 प्लस एच. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेन टू 0 1 माइनस एच, दिस विल गिव 1. इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1. उसी तरीके से इसका नेक्स्ट लिमिट निकाल लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. तो f ऑफ 1 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h. अब देखिए 1 माइनस h यानी x की वैल्यू 1 से कम है, f ऑफ x लिखते हैं हम. तो f ऑफ 1 माइनस h यानी x की वैल्यू 1 से कम है, तो x की वैल्यू जब 1 से कम है उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है. सो दिस विल डायरेक्टली गिव द 1. तो इसका मतलब यह है कि RHL और LHL सेम है, 1 और 1. सो f ऑफ 1 प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस 0, यानी कि RHL इक्वल टू LHL. सो दिस फंक्शन हैज़ द लिमिट एट x इक्वल टू 1 एंड द लिमिट की वैल्यू कितनी है 1. ठीक है, तो ये चेक हो गया कि x इक्वल टू 1 पर यह फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो किसके बराबर है 1 के ही बराबर है, फंक्शन की वैल्यू भी 1 के बराबर है. अब इसी तरह 2 के लिए चेक करते हैं इसको, x इक्वल टू 2 के लिए. तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट इसका. सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 क्या होगा, फंक्शन f 2 प्लस 0, सो ये हो जाएगा 2 प्लस h. क्लियर, यहाँ भी आएगा, नो, यहाँ फंक्शन चेंज होगा. तो यहाँ से हम इसको फिर से करेंगे, तो अब यहाँ देखिए राइट हैंड लिमिट हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 प्लस 0 लिमिट एस टेन टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच. क्या होगा, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, कौन सा होगा, ये वाला फंक्शन होगा, यानी इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल रही है कितना
टू, यह तो टू। जब x की वैल्यू दो से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? टू। तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, टू प्लस एच यानी x की वैल्यू दो से ज़्यादा है तो डायरेक्टली हमें मिल गया टू। उसी तरीके से इसका एल एच एल लिमिट निकालेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ टू माइनस ज़ीरो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ टू माइनस एच। अब टू माइनस एच ये किस में जाएगा? सेकेंड वाले में जाएगा, दो से कम है तो ये वाला टू माइनस एक्स। तो इसको निकालते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा टू माइनस एच, ठीक है, हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एच, ये वैल्यू दे रहा है ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में f ऑफ 2 प्लस ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस ज़ीरो, यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एल एच एल के बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दिस फंक्शन हैज़ नॉट या डजेंट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, तो आसान है, बहुत कठिन नहीं है। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिमिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जितनी जल्दी कर पाए। शॉर्टकट इसीलिए हम उसको डायरेक्ट भी दिखा रहे हैं, केवल प्लस माइनस को चेक करके, कि बहुत ज़्यादा सॉल्व करने का समय नहीं होता है तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लेट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है और यहाँ थ्री माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है तब जब ये है x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में और 1 से लेके 2 के बीच में, ये है। देन हमें शो करना है, शो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 2 does the limit f of x, and next question I see may does the limit of f of x, limit of f of x at x equal to 1 exist, करता है या नहीं करता है। तो does the limit of f of x at x equal to 1 exist, तो पहली चीज़ ये शो करनी है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस समथिंग f ऑफ x इक्वल टू 2 एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। इसके बाद हमें रीज़न भी बताना है, गिव रीज़न टू आंसर। तो जो भी आंसर होगा उसका रीज़न हमें देना है। तो पहले इसी को देख लेते हैं या x इक्वल टू 1 पे ही चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो RHL निकालते हैं, RHL एट x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? f ऑफ 1 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h हम कहाँ रखेंगे? 1 प्लस 0 है, 1 प्लस h 1 से ज़्यादा है, यहाँ 1 से लेस है, इसमें आएगा 3 माइनस एक्स। इसमें पुट कर देते हैं 3 माइनस 1 प्लस एच, यहाँ लिमिट होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो ये दे देगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 प्लस एच। तो ये क्या दे रहा है? 2। अगर हम h को 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2।
सो एफ ऑफ वन प्लस ज़ीरो इज़ टू, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया। ये क्या शो कर रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू, ये वही तो है, एफ ऑफ वन प्लस समथिंग इज इक्वल टू टू। सो ये भी प्रूफ हो गया और इसकी एक लिमिट भी प्रूफ हो गई। इसी तरीके से इसका लेफ्ट साइड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, यहीं पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और जब माइनस होगा तो यहाँ वन माइनस एच हो जाएगा, वन माइनस एच इसमें आएगा और सीधे हमें वैल्यू मिल जाएगी। क्या इसकी वैल्यू टू थी वो याद रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, वन माइनस एच। और अगर हम लिमिट रखेंगे यहाँ, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, देखिए वो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है जब ये वन से कम है, सो एफ ऑफ वन माइनस एच सिंपली हो जाएगा वन माइनस एच, तो हमें एच की वैल्यू ज़ीरो मिलने पे वन आएगा। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ वन माइनस ज़ीरो, यहाँ माइनस है, वन प्लस ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वन माइनस ज़ीरो, एंड दैट इज़ वाई द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर हमारा यही होगा कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन डज नॉट एग्जिस्ट। रीज़न यही है कि ये दोनों सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग अलग आ रही है, क्योंकि इसका वैल्यू टू आया था और इधर वन आ रहा है, तो यही रीज़न है इसका। इस तरह से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से है, इवेलुएट करना है हमें। इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो e पावर वन बाई एक्स अपॉन ई पावर वन बाई एक्स प्लस वन। तो भी जो इसके जस्ट पहले हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, e पावर वन बाई एक्स अपॉन ई पावर एक्स, वहाँ शायद प्लस वन और नीचे माइनस वन था इस तरीके का। तो सेम उसी प्रोसेस से इसको भी करना है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। जल्दी से इसको देख लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स यही है, एफ ऑफ एक्स। अब इसके लिए अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या होगा, लिमिट अगर आप कंपटीशन दे रहे हो तो थोड़ा फास्ट करना सीखो, कैसे करना है। तो f ऑफ a प्लस ज़ीरो, ये है हमारे RHL की कंडीशन। तो f ऑफ ज़ीरो प्लस एच, यहाँ होगा ज़ीरो इस क्वेश्चन के हिसाब से, ज़ीरो प्लस एच, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f ऑफ h, h यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर वन बाई एच, e टू द पावर वन बाई एच प्लस वन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, डायरेक्ट अगर ज़ीरो रखेंगे तो इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट आएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, तो ऐसा हम यहाँ नहीं करेंगे, वो इनडिटर्मिनेंट में होता है, वो क्वेश्चन वहाँ देख सकते हैं। लिमिट एच टेन टू ज़ीरो ई टू द पावर वन बाई एच कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन तो ऊपर से है ही है, नीचे से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन ई टू द पावर वन बाई एच, ये यहाँ से कैंसिल होगा। और अब जब हम वैल्यू रखेंगे वन प्लस वन अपॉन इन्फाइनाइट ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू आएगी वन। ध्यान से देख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ला देगा, फिर हमें हॉस्पिटल रूल पे जाना पड़ेगा, तो वो यहाँ नहीं करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है वन। इसी तरीके से देख लेते हैं लेफ्ट हैंड क्या होगा, सो माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इधर भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे, इसमें याद रहे राइट हैंड लिमिट हमारा वन था, इसको क्या करेंगे वन अपॉन ई टू द पावर
वन बाई एच, और यहाँ से अगर इसको निकालेंगे या तो उसी तरह दिखा देते हैं, लिमिट माइनस वन, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है लग रहा है, वन अपॉन इनफाइनाइट है, और इसको लिख सकते हैं वन अपॉन ई टू द पावर वन बाई एच प्लस वन। तो अगर h की वैल्यू हम यहाँ ज़ीरो रखते हैं, ज़ीरो या कॉमन करके ही करते हैं इसको भी, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू ज़ीरो, और इस टर्म को निकाल लेते हैं बाहर, तो ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ वन अपॉन हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, सो e टू द पावर वन अपॉन होगा, ये वन अपॉन वन अपॉन ई टू द पावर वन बाई एच, और जब ज़ीरो रखेंगे तो ई टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा और वन बाई इनफाइनाइट की वैल्यू आएगी ज़ीरो। क्लियर? तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं आ रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और इसकी हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से लिमिट के क्वेश्चन आप कर सकते हो, और भी इसके आगे कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे बाद में। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल नाउ। थैंक यू सो मच।